हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वगैरह स्टार्ट कर दी गई है, तो आप लोगों के जो बीएससी थर्ड ईयर का जो सेकंड पेपर है एनवायरमेंटल बायोलॉजी वाला, तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हैं तो उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्योंकि आप लोगों की इस कोविड-19 की वजह से आप लोगों के एग्जाम्स वगैरह लगने वाली थी मई के अंदर, तो उसको क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। तो आप लोगों के पास में सफिशियंट टाइम वगैरह है अभी भी, तो अच्छी तरीके से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बताए जा रहे हैं तो अच्छी से आप लोग याद लीजिए इनको, अच्छी आप लोगों के परसेंटेज वगैरह बन सकती है इससे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के जो बीएससी जो थर्ड ईयर का है आप लोगों के सेकंड पेपर है। ठीक है, फर्स्ट आप लोगों के फर्स्ट पेपर एंड थर्ड पेपर वगैरह अपलोड कर दिया गया है। सेकंड पेपर की हम बात करें इकोलॉजी एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह इसके अंदर जनरली। फर्स्ट क्वेश्चंस वगैरह इसके अंदर पारितंत्र को परिभाषित कीजिए, जो आप लोग पारितंत्र वगैरह है, इकोसिस्टम वगैरह है, उसको परिभाषित कीजिए, उसके डेफिनेशंस वगैरह दीजिए जनरली, और पारितंत्र के क्या घटक है वर्णन कीजिए, जो इकोलो आप लोगों के जो पारितंत्र वगैरह है उसके घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उन सभी के बारे में आप लोगों को जनरली बताना पड़ेगा, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में सेकेंड है, तालाब का उदाहरण देते हुए पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक एवं अजैविक कारकों का वर्णन करो। यानी कि आप लोगों के ऐसा नहीं है जनरली, ये तो जनरली क्वेश्चंस वगैरह बनाए हुआ है आप लोगों के, तालाब वगैरह, तालाब के अलावा भी और कुछ भी आप लोगों की एग्जांपल वगैरह पूछ सकता है उसके अंदर। जनरली इस प्रकार से क्वेश्चंस वगैरह बनेगा इसमें कि आप लोगे यानी कि तालाब की जगह और कुछ भी जैसा सी से रिलेटेड कुछ समुद्र वगैरह से रिलेटेड दे देगा, या अदर जो इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल जो भी है एडेप्टेशन से रिलेटेड, यानी कि जो पारिस्थितिक है ना, तो वो तालाब से रिलेटेड भी दे सकता है या अदर कुछ भी पारिस्थितिक दे सकता है उसके अंदर, या इकोसिस्टम वगैरह दे सकता है। तो इसके अंदर जनरली दिया हुआ है तालाब का उदाहरण देते हुए आप लोगों के पौंड से पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक यानी कि आप लोगों के बायोटिक एंड एबायोटिक जो फैक्टर्स वगैरह हैं उनके बारे में जनरली क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा, या फिर डायरेक्टली आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं कि बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में आप लोग वर्णन कीजिए। तो उन सभी के बारे में आप लोगों के जैसे बायोटिक फैक्टर्स के अंदर कौन आएगा, एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर कौन कौन आएगा, तो उन सभी के बारे में जनरली आप लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है इसके अंदर, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। आप लोगों के जनरली इसके अंदर दो के बारे में टिप्पणी वगैरह पूछ सकता है, यानी कि निम्न दो के बारे में आप लोग टिप्पणी वगैरह लिखिए। तो इसके अंदर फर्स्ट है टिप्पणी के अंदर क्वेश्चन थर्ड के अंदर कार्बन चक्र, आप लोग जो कार्बन चक्र वगैरह है ठीक है, तो उसके बारे में पूछ सकता है क्वेश्चंस वगैरह, फास्फोरस चक्र वगैरह है, और आप लोग के जल चक्र वगैरह है। आप लोग जो 2021 का जो सिलेबस वगैरह है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस वगैरह बनाए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह ठीक है। एंड आप लोग के फोर्थ क्वेश्चंस वगैरह इसके अंदर सूक्ष्म जीवों की भूमिका बताते हुए नाइट्रोजन चक्र को समझाइए। आप लोगों के जो सूक्ष्म जीव वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है ठीक है, जैसे नाइट्रोसोमोनास वगैरह है, या फिर अदर जो आप लोगों के एजोटोबैक्टर वाला पार्ट वगैरह है, अदर आप लोगों के जो सूक्ष्म जीव वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है, बैक्टीरियाज वगैरह, तो वो जनरली किस प्रकार से रोल प्ले वगैरह करते हैं जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन वगैरह होती है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों यानी कि उनके घटकों के अंदर विघटित करके और फिर बाद में नाइट्रोजन सप्लाई करवाई जाती है जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको ठीक है। तो उसके बारे में आप लोगों को जो नाइट्रोजन साइकिल वगैरह है तो उसके बारे में समझाना पड़ेगा इसके अंदर जनरली ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है अनुक्रमण से क्या अभिप्राय है, यानी कि आप लोगों की अनुक्रम वगैरह अनुक्रमण है तो उससे क्या अभिप्राय है, यानी अनुक्रमण के बारे में जनरली बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद में है विभिन्न प्रकार के अनुक्रमण के बारे में वर्णन कीजिए। आप लोगों के डिफरेंट टाइप्स के अनुक्रमण वगैरह होते हैं, सेल अनुक्रमण होता है आप लोगों के, या फिर अदर जो अनुक्रमण वगैरह होते हैं ठीक है, तो उन सभी के बारे में आप लोगों को जो एडेप्टेशंस वगैरह हैं, प्राइमरी जो आप लोगों के कौन आकर वहां पे उगेगा, तो वो सारी चीजें स्पीसीज वगैरह, तो वो सारी चीजें, और लास्ट के अंदर आप लोगों की जो चरम अवस्था जिसे क्लिमेक्स कम्युनिटीज वगैरह कहा जाता है, तो वो किस प्रकार से एडेप्ट वगैरह होगी उस जगह पे, तो अनुक्रमण के बारे में जनरली आप लोगों को बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह इसके अंदर सिक्स क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों के समष्टि क्या है, यानी कि आप लोगों की समष्टि क्या होती है ठीक है, एंड समष्टि को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। आप लोगों की जो पॉपुलेशंस वगैरह है या समष्टि वगैरह है, तो जनरली उसके बारे में आप लोगों को समष्टि के बारे में बताना पड़ेगा कि समष्टि मेनली वैसे तो होती क्या है, एंड आप लोगों की समष्टि को प्रभावित करने वाले जो भी कारक वगैरह है उन सभी के बारे में आप लोगों को वर्णन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है सेवंथ वाला, निम्नलिखित पर किन्हीं
दो पर टिप्पणी लिखी है आप लोगों के, जो आप लोगों को नॉर्मली इसके अंदर तीन छोटे क्वेश्चंस वगैरह दे सकते हैं इसके अंदर, या फिर दो क्वेश्चंस वगैरह भी दे सकते हैं डायरेक्टली, तो इसमें तीन दे रखा है तो आप लोगों को दो पर टिप्पणी लिखनी पड़ेगी इसके अंदर। फिर उसके बाद में फर्स्ट है इसके अंदर खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल यानी कि फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में आप लोगों को जनरली इसमें बताना पड़ेगा। एंड आप लोगों के नेक्स्ट है इसी में सेकेंड पारिस्थितिकीय स्तूप यानी कि जो आप लोगों के पारिस्थितिकीय स्तूप वाला पार्ट वगैरह है, तो वो जनरली उसके बारे में डिटेल से बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी के बारे में ये आप लोगों के हो गया यूनिट फर्स्ट का, आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है 7 क्वेश्चंस वगैरह है इसके अंदर, ये यूनिट फर्स्ट की बात हुई। आप लोगों के जनरली तीन यूनिट्स वगैरह हैं, तो तीनों यूनिटों के अंदर जो बड़े क्वेश्चंस वगैरह हैं वो ले रहे हैं। नॉर्मली आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चंस वगैरह होता है कंपलसरी होता था पहले, लेकिन आप लोगों के अब कंपलसरी वगैरह नहीं है। आप लोगों को जनरली पता है कि इस बार 60% कर दिया गया यानी कि टोटल जो पेपर वगैरह है उसके अंदर से आप लोगों को ओनली फॉर 60% ही हल करना है उसके अंदर, ठीक है। तो आप लोगों के जैसे 5 क्वेश्चंस वगैरह करने होते हैं जनरली, फर्स्ट क्वेश्चन आता था कंपलसरी, तो कोई कंपलसरी नहीं है, कोई से भी आप लोग 3 क्वेश्चंस वगैरह उसके अंदर करने हैं, यानी कि मतलब यानी कि 60% के अंदर आप लोगों को 3 क्वेश्चंस ही करने हैं ओनली फॉर उसके अंदर, ठीक है। आप लोगों को 5 क्वेश्चंस वगैरह करने पड़ते थे पहले, अब आप लोगों को जनरली कितने क्वेश्चंस वगैरह करने पड़ेंगे, 3 क्वेश्चन ही करने हैं, यानी कि उसका 60% ही हल करना है आप लोगों को, जो पेपर है उसका 60% ही हल करना है ओनली फॉर, ठीक है। तो इस चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, और फर्स्ट यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए आप लोग। जो छोटे क्वेश्चंस वगैरह है उनका अलग वीडियो बनाएंगे हम लोग, उसके अंदर आप लोग छोटे क्वेश्चंस वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। तो उनका तो विद आंसर वगैरह देखेंगे हम लोग, लेकिन इन जो क्वेश्चंस वगैरह है फर्स्ट यूनिट वगैरह था तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। फिर सेकंड यूनिट की हम बात करते हैं, सेकंड फर्स्ट यूनिट की बात होगी, इसके बाद में सेकंड यूनिट के में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर तो नॉर्मली आप लोग क्वेश्चंस वगैरह थे, 7 क्वेश्चंस वगैरह देख लिए थे। उसके बाद में आप लोग जो यूनिट नंबर सेकंड वगैरह है, ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं जनरली। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है आप लोगों के, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आप लोगों के 8 वाला यानी कि 7 तो उसी में हो गए थे, यानी कि ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, ध्वनि प्रदूषण के कारण प्रभाव तथा नियंत्रण के उपाय पर प्रकाश डालिए। आप लोगों के जनरली जो आप लोगों की ध्वनि प्रदूषण वगैरह होता है आप लोगों के गाड़ियों वगैरह के व्हीकल के माध्यम से हो, या फिर बाद में साउंड जो भी होता है डीजे हो, या फिर एवरीवन जो भी जो ध्वनि के प्रदूषण के जो कारण वगैरह है, तो उन सभी के बारे में चर्चा करनी होगी। नॉर्मली आप लोगों के होता क्या है मेनली, उसके डेफिनेशंस, फिर उसके बाद में ध्वनि प्रदूषण के कारण यानी कि उसके कौन कौन से कारण वगैरह हैं उनके कारण हो रहा है, फिर उसके बाद में प्रभाव तथा नियंत्रण के यानी कि नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है, तो उन सभी के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों में अंतर बताइए। आप लोगों के नॉर्मली इन दोनों के अंदर यानी कि नवीकरणीय आप लोगों के अनवीकरणीय जो प्राकृतिक संसाधन वगैरह हैं, इन सभी के बारे में आप लोगों को दोनों के बारे में क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा इन दोनों को, इन दोनों के बारे में अंतर बताना पड़ेगा। फिर उसके नवीकरणीय संसाधनों का विस्तार से वर्णन करना पड़ेगा, जो नवीकरणीय रिन्यूएबल जो एनर्जी वाला पार्ट वगैरह यानी कि नवीकरणीय, ठीक है, तो वो क्या करना पड़ेगा इसके अंदर। तो आप लोगों के नॉर्मली यानी कि नवीकरणीय संसाधन वगैरह हैं तो उनका विस्तार से वर्णन करना पड़ेगा आप लोगों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों के 10th शहरीकरण एवं इसके जो स्वास्थ्य पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। आप लोगों की जो शहरीकरण वगैरह है वो जनरली होता क्या है, एवं जो इसके जो स्वास्थ्य वगैरह है यानी कि जो शहरीकरण के माध्यम से स्वास्थ्य पर किस प्रकार से प्रभाव वगैरह पड़ेगा, तो उन सभी के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों के जो 11th वाला क्वेश्चन वगैरह है, अंतरिक्ष पारिस्थितिकी क्या है, जो आप लोगों के अंतरिक्ष वगैरह होता है उसके अंदर जो इकोलॉजिकल जो एनवायरमेंट वगैरह होता है वो पारिस्थितिक इकोसिस्टम वगैरह किस प्रकार से होता है, तो उनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, डेफिनेशन देनी होगी। फिर उसके बाद में अंतरिक्ष औपनिवेशीकरण से संबंधित समस्याएं एवं समाधान लिखिए। आप लोगों के जो अंतरिक्ष औपनिवेशीकरण वगैरह है तो उससे संबंधित जो समस्या वगैरह है आप लोगों के और उसके उपाय वगैरह क्या क्या हो सकते हैं, तो उन सभी के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है 12 वाला आप लोगों के प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन वगैरह है उनकी वर्तमान स्थिति एंड आप लोगों के जो भविष्य की आवश्यकताओं की विवेचना करो, यानी कि भविष्य वगैरह है उनकी आवश्यकता की विवेचना वगैरह करनी पड़ेगी उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। आप लोगों को जनरली टिप्पणी वगैरह लिखनी पड़ेगी, दो के बारे में आप लोग जनरली इसके अंदर लिख सकते हो, यानी कि ऐसा क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं निम्न दो पर टिप्पणी वगैरह लिख लिए।
इसके बाद में इसके अंदर फर्स्ट है जल चक्र यानी कि जल प्रदूषण वाला पार्ट वगैरह, यानी कि जो जल प्रदूषण किस प्रकार से कौन कौन सी रिसोर्सेज वगैरह हैं उनके माध्यम से आप लोगों को जल प्रदूषण वगैरह वो लग कर, यानी कि आप लोग कल कारखाने वगैरह हैं इनके माध्यम से निकला हुआ दूषित पानी वगैरह होता है, तो उनसे क्या होता है कि आप लोगों के नदी नाले के माध्यम से आप लोगों को ये प्रदूषित वगैरह करता है सी के, यानी कि नदी नालों से होता हुआ नदियों के अंदर मिलके और फिर समुद्र के अंदर चला जाता है। तो मैरन वाटर के अंदर जो सिस्टम वगैरह रहता है, तो उसमें रहने वाले जो भी एनिमल और जो भी आप लोगों के एनिमल्स वगैरह होंगे तो उनको इफेक्ट वगैरह करेगा, ठीक है। तो इस तरीके प्रकार से ये प्रदूषण किस प्रकार से होता है वो उनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण के कारक एवं विपरीत प्रभाव, यानी कि जो इनके ऊपर टिप्पणी पर लिखनी पड़ेगी, मृदा प्रदूषण किस प्रकार से होता है एंड इसके जो विपरीत प्रभाव वगैरह होते हैं तो वो किस प्रकार से होंगे, तो उनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है थर्ड, इसमें ओजोन परत क्षय यानी कि ओजोन लेयर वगैरह हो रही है, अल्ट्रावायलेट जो किरणें वगैरह पड़ रही है सीधी, तो उन की वजह से आप लोगों की जो ओजोन लेयर वगैरह है आप लोगों की जो छिद्रित वगैरह हो गई है, ठीक है, तो वो किस प्रकार से हो रहा है, ओजोन लेयर के जो छिद्र वगैरह है वो पोर लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं उसको, तो वो किस प्रकार से बढ़ रहा है, तो उन सभी के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या क्या कारण वगैरह हैं, इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो उनके बारे में जनरली लिखना पड़ेगा। इन दो के बारे में जनरली दोनों में से यानी कि तीन है उसमें से दो किसी के बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। ये वाले सेकेंड यूनिट वाली बात होगी, सेकेंड यूनिट के अंदर एक और क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन वगैरह हो रहे हैं तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इतनी देर में आप लोग इसके अंदर जनरली आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह देखते हैं इसके अंदर। जनरली नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आप लोगों के जनरली निम्न पर टिप्पणी लिख लीजिए, आप लोगों के जो 14 वाला क्वेश्चंस वगैरह है आप लोगों के यानी कि 14वां क्वेश्चंस वगैरह है इसके अंदर जनरली, तो उसके अंदर आप लोगों को वायु प्रदूषण एवं उसके उपचार यानी कि जनरली आप लोगों के जो वायु प्रदूषण वाला पार्ट वगैरह है पॉल्यूशन वगैरह है यानी कि जो एयर पॉल्यूशन वगैरह होती है वो किस प्रकार से होती है, तो जनरली उसके बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है, एवं उसके उपचार वगैरह। रेडिएशन पॉल्यूशन वगैरह, आप लोगों के जो रेडिएशन पॉल्यूशन वगैरह होती है किन किन कारणों के कारण होती है एंड आप लोगों की इसके अंदर जो निवारण वगैरह है आप लोग किस प्रकार से इसको कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं, तो जनरली उसके बारे में लिखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट है आप लोगों के वायुमंडलीय ताप यानी कि जिसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि किस प्रकार से होती है किस कारणवश होती है, तो उनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है विकिरण एवं इसके प्रभाव यानी कि दुष्प्रभाव वगैरह किस प्रकार से पड़ रहे हैं, ठीक है, तो उन चीजों के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, विकिरण एवं इसके दुष्प्रभाव वगैरह। ये जनरली बात हो गई आप लोगों की, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं एंड आप लोगों की जनरली इसके अंदर यूनिट सेकंड की बात हो गई, अभी यूनिट थर्ड की बात करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस वगैरह है यूनिट थर्ड के अंदर, तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह देखते हैं इसके अंदर जो यानी कि आप लोग भी जो 15वां क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट होगा इसके अंदर, ठीक है, तो उसके बारे में थर्ड यूनिट के अंदर देखते हैं जनरली इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस वगैरह है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट वगैरह है आप लोगों के, तो थर्ड यूनिट के अंदर क्वेश्चंस वगैरह हैं आप लोगों के, फोर क्वेश्चंस वगैरह हैं इसके अंदर जनरली, ठीक है, तो थर्ड यूनिट आप लोगों के कौन सी वाली है, इवोल्यूशन से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह इसके अंदर, आप लोगों के जो लेमार्कीज्म वगैरह है या डार्विनिज्म वगैरह है, ठीक है, तो उन सभी के बारे में इसके अंदर आएंगे क्वेश्चंस वगैरह। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आप लोगों के एडेप्टेशन, ठीक है, तो आप लोगों के जो एडेप्टेशन वगैरह है अनुकूलन वगैरह है जिसको कहा जाता है, तो वो आप लोगों के जनरली इसके अंदर देखो तीन चार दे रखे हैं मैंने, तो इसके अंदर किसी के बारे में भी पूछ सकता है आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, तो इसके अंदर जनरली हम डिस्कस करें बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर जैसे डेजर्ट जो एडेप्टेशन वाला पार्ट वगैरह है तो डेजर्ट वाला पार्ट वगैरह एंड आप लोगों के जो फ्रेश वाटर हो या डीप सी वाला पार्ट वगैरह हो, तो इनके अंदर आप लोगों के एडेप्टेशन वगैरह पूछ सकता है जनरली, ठीक है। फिर इसके अंदर जो मिमिक्री वाला पार्ट वगैरह है यानी कि जो मिमिक इंसेक्ट यानी कि मिमिक जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, आप लोगों के जैसे नॉर्मली इसके अंदर जैसे मिमिक एनिमल्स वगैरह की हम बात करें, आप लोगों के जो गिरगिट वगैरह होता है एंड अदर एनिमल्स वगैरह होते हैं, तो वो नॉर्मली जैसे आप लोगों के इंसेक्ट वगैरह भी होते हैं काफी, लीफ इंसेक्ट वगैरह होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर वगैरह रहती है, तो इस प्रकार से मिमिक आप लोगों के एनिमल्स वगैरह भी रहते हैं, तो वो मिमिक्री शो वगैरह करता है उसके अंदर जनरली, ठीक है, आप लोगों के जो फ्रॉग वगैरह होते हैं वो भी मिमिक्री शो वगैरह करते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली इसके अंदर आप लोगों के एडेप्टेशन वगैरह पूछ सकते हैं, डेजर्ट हो या आप लोगों के फ्रेश वाटर सिस्टम वगैरह हो या डीप सी वाला पार्ट वगैरह हो, तो इन तीनों के बारे में आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह किसी के बारे में भी पूछ सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों के 15 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद में 16वां क्वेश्चन वगैरह हार्डी वीनबर्ग यानी कि जो हार्डी वीनबर्ग
का सिद्धांत वगैरह है, नियम के मुख्य लक्षण का वर्णन कीजिए आप लोग, जो हार्डी वेनबर्ग के जो नियम वगैरह है उनके मुख्य करेक्टर्स वगैरह है, लक्षण वगैरह है क्या है उस सिद्धांत के, तो उनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आप लोगों के 17वां क्वेश्चन वगैरह है, लेमार्क और डार्विन के मॉडल सिद्धांत के बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा, यानी कि जो लेमार्क हो या फिर डार्विनिज्म वगैरह हो, यानी कि न्यू डार्विनिज्म और न्यू लेमार्किज्म, तो इन सभी के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा किस प्रकार से इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एडेप्टेशन वगैरह हो रहे हैं जनरली, तो उन सभी के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप लोगों के जो 18वां क्वेश्चन वगैरह है, इसके अंदर जैव भौगोलिक सिद्धांत और समानता एंडेमिज्म आदि की अवधारणा और जानवरों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में वर्णन करना पड़ेगा आप लोगों को जनरल, ठीक है। तो आप लोग जो जैव भौगोलिक सिद्धांत वगैरह थ्योरीज वगैरह है, एंड आप लोग के जो समानता एंडेमिक आदि की जो अवधारणा वगैरह है, ठीक है, एंड इसके अंदर जो जानवर वगैरह है उनके डिस्ट्रीब्यूशन से यानी वितरण वगैरह किस प्रकार से किया गया है, तो उनको प्रभावित करने वाले जो कारक वगैरह है, ठीक है, फैक्टर्स वगैरह है, तो उन सभी के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये बात होगी हमारे जो जनरली, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं जनरली आप लोग, एंड ये बात होगी हमारे जो इकोलॉजी एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन वाला पार्ट वगैरह है, ये आप लोगों की जो सेकंड पेपर है उसके क्वेश्चंस वगैरह की बात हो गई, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है, अगर आप इन क्वेश्चंस वगैरह को याद कर लेते हैं तो आप लोगों की अच्छी परसेंटेज वगैरह आप लोगों की इसके अंदर जो 90+ वगैरह इसके अंदर बन जाएगी आराम से 100%, ठीक है, 90+ बन जाएगी इसके अंदर। तो आप लोगों को जनरली ऐसा है कि इस जो भी क्वेश्चंस वगैरह बताए हुए हैं उनको अच्छी तरीके से आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, आप लोगों के पास अभी सफिशियंट टाइम है अभी भी, ठीक है, और अभी तक और इस जो वीडियो वगैरह है उसको शेयर कीजिए आप लोगों के फ्रेंड्स वगैरह, ताकि उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।